तो शुरू करते हैं। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे टोटल डेरिवेटिव एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स के बारे में, ठीक है। एंड साथ में देखेंगे कुछ नेट और नेट गेट जैम के पूछे हुए क्वेश्चंस कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे सोल्व किया जाता है। तो शुरू करते हैं। टोटल डेरिवेटिव, ठीक है। तो एज्यूम करिए वही आपको फंक्शन टू वेरिएबल्स का दिया रहेगा, तो एज्यूम करिए कि जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई आपको गिवेन है, ओके, क्योंकि हम टू वेरिएबल में पढ़ रहे हैं तो टू वेरिएबल का ही काम होगा। देन तो इसके लिए अगर ये जेड है, इसके पास क्या हो, ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव रखता हो, ठीक है। अब यहां पे देखिए एक्स आपका एक फंक्शन के वेरिएबल भी हो सकता है, दैट इज ये दोनों कभी कभी आपको दे देगा कि एक्स इज फंक्शन ऑफ टी एंड वाई इज फंक्शन ऑफ टी, दैट इज इस टाइप से कुछ दे सकता है, या फिर कभी कभी कुछ इस टाइप से भी दे सकता है, फंक्शन ऑफ मान लो दो वेरिएबल ले लिया यूवी, उसी तरह वाई को ले लिया वाई इज इक्वल टू यूवी, तो ये एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का भी दे सकता है। तो हम यहाँ पे ज़ूम करें कि मान लीजिए कि लेट जेड मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव इसके पास एग्जिस्ट करते हैं और वो कंटिन्यूस, दैट इज लेट जेड पोज इज ओके। अगर आपके पास एक जेड है जिसका पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है और जो अगर एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है, तो वो अगर एक्स वाई क्या है किसी और फंक्शन पे पॉइंट मतलब हाँ टी फंक्शन वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं, तो उनके रेस्पेक्ट में एक्स और वाई पार्शियल डेरिवेटिव या इनके रेस्पेक्ट पार्शियल क्या है तो फुली ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन ही होगा, तो एक्स और वाई का भी जो डेरिवेटिव होगा वो भी कंटिन्यूअस हो, देन टोटल डेरिवेटिव टोटल डेरिवेटिव इज डिफाइंड है। सिंपल सी बात है भाई, जब एक्स और वाई टी का फंक्शन है तो कैसे डिफाइन करेंगे, डी जेड बाई डी टी, बट जेड किसका फंक्शन था, एक्स और वाई का नाम, तो पहले आप क्या करेंगे, इस जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, देन एक्स का टी के रिस्पेक्ट में ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, फिर अब जेड क्या है वाई के रिस्पेक्ट में भी है, तो आप क्या करेंगे y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, देन इस y का क्या करेंगे t के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो इस टाइप से पार्शियल टोटल डेरिवेटिव डिफाइन किया गया, ठीक है। इसको हम लोग dz / dt को बोलेंगे, टोटल डेरिवेटिव ऑफ दैट, एंड इस dz को बोलते हैं, एंड dz इज नोन एज डिफरेंशियल कोफिशिएंट, एंड dz इज नोन एज डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। तो डीजेड आपका क्या होगा, दैट इज अगर टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट की बात करता है या डिफरेंशियल कोफिशिएंट की बात करता है, तो आपका हो जाएगा ये क्या है जेड एक्स है और इधर ये डी एक्स हो जाएगा प्लस इधर क्या है जेड वाई और ये हो जाएगा डी वाई, तो आपको ये चीज कैलकुलेट करना होगा। इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन जानते थे तो उसी को बेस मान के हम करते हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए कि लेट लेट एफ एक्स वाई इक्वल टू सी, इसी टाइप से हम लोग कुछ इम्प्लिसिट फंक्शन लिखते थे, इम्प्लिसिट मतलब इसके अंदर ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया सर, ठीक है। तो लेट इतना इज एन इज ए फंक्शन, ठीक है, एक फंक्शन है, देन इसका पार्शियल डेरिवेटिव दोनों तरफ करिए, इधर हो जाएगा डी जेड, ओके, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालिए, डीजेड हो जाएगा, इधर हो जाएगा एफ एक्स, फिर एक्स क्या करेंगे डी एक्स, ठीक है, फिर इस फंक्शन का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव एंड देन डी वाई, ओके। अब ए इसी को हमने पूरे को जेड बोला हुआ है ना, तो इसका जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो सी का क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, दैट इज ए चीज दे देगा, मीन्स आपके पास आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा डीवाई बाई डी एक्स। कंक्लूजन ये था कि मेरे को निकालना था डीवाई बाई डी एक्स, और इसका क्या होता है बहुत जगह हमें काम पड़ता है, तो उस टाइम हमें ये नहीं समझ में आता कि इस टाइप के फंक्शन से हम डीवाई बाई डी एक्स कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो वहां पे आपको जब काम पड़ेगा तब डीवाई बाई डी एक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां से सिंप्लीफाई कर ली, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आया डीवाई बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस एफ एक्स बाई एफ वाई, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोग डीवाई बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन है जैसे हमें फाइंड एग्जाम्पल लिखा लीजिए, फाइंड डी जेड बाई डी टी, ओके, वेन आपका जेड कुछ दिया हो, एज्यूम कर लीजिए ए टू एक्स साइन वाई, और एक्स बराबर क्या हो, कुछ एक्स टी का फंक्शन था, ये लॉग टी दिया हुआ है, और वाई इक्वल टू कुछ टी स्क्वायर ले लीजिए। तो आपको ये चीज बताना है, तो आप क्विकली बताइए क्या होगा डिजिट एट टी इक्वल टू जीरो निकाल लीजिए, ठीक है, एट टी इक्वल टू जीरो, इससे क्या होगा एक न्यूमेरिकल आंसर आ जाएगा। तो आप मुझे न्यूमेरिकल आंसर बताइए इतना, एट टी इक्वल टू जीरो आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए आपका क्या आ रहा है, क्विकली करिए सर, बस जेड एक्स दे दिया आपको, जो हमने बताया था उसके अकॉर्डिंग करना है, दैट इज आपको डी जेड बाई डी टी क्या हो जाएगा सोल्यूशन, डी डी जेड बाई डी टी हो जाएगा जेड एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस जेड बाई डी वाई बाई डी टी। तो सोल्व करिए आप लोग क्विकली इसको, आपका काम क्या होगा जेड एक्स, बाकी जो पार्शियल डेरिवेटिव निकालने का जो थ्योरी पढ़ा था ना उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे जो आप यूजुअली जानते हैं वही चीज इम्प्लीमेंट करना है। तो जेड एक्स क्या हो जाएगा, एज इट आ जाएगा, दैट इज ए टू एक्स साइन वाई रह जाएगा, और जेड वाई आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का काम पढ़ाना है, तो जेड वाई हो जाएगा आपका, जेड वाई कहाँ गया, जेड वाई हो जाएगा ए टू एक्स एज इट रहेगा, इसका हो जाएगा डेरिवेटिव कॉस वाई, ओके। फिर आपका काम पड़ा है डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी को हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं, और एक क्या हो जाएगा लॉग का हो जाएगा वन बाई टी, उसी तरह वाई डैश टी क्या हो जाएगा टू टी। तो चलिए इतना हिंट दे दिया आप लोग, अभी भी आगे बढ़िए, तो जेड एक्स की जगह मैंने रख दिया ए टू एक्स, ए टू एक्स साइन वाई, और एक्स डैश की जगह क्या होगा वन बाई टी, और जेड वाई क्या है ए टू एक्स कॉस वाई, एंड जे वाई डैश की जगह क्या है टू टी, ओके। तो यहां से आप निकालेंगे तो दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लीजिए, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा ई टू एक्स हो जाएगा यहाँ से, तो आप यहाँ पे ई टू एक्स की जगह टी लिख सकते हैं, तो टी लिख दिया आपने, फिर साइन वाई, ठीक है, और वाई की जगह क्या है टी स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या करिए आप टी स्क्वायर रख दीजिए, ठीक है। अब वन बाई टी रखिए प्लस, अब ई टू एक्स को हमने क्या रखा था टी, फिर आपने रख लिया कॉस, वाई की जगह क्या था टी स्क्वायर, फिर टू टी। अब देखिए टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर टी, सॉरी साइन टी स्क्वायर, और साइन जीरो पे क्या देगा, तो मैं यही पे सोल्व कर दे रहा हूँ, ए आपका जीरो पे जीरो देगा, और ए जीरो पे जीरो और साइन जीरो पे वन, तो जीरो प्लस जीरो टाइम्स वन जीरो, यानी दैट इज होल क्या हो जाएगा आपका जीरो। अभी इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या दिया होता है, पहला दे दिया जीरो, दूसरा दे दिया इन्फिनिटी, तीसरा दे दिया नॉट डिफाइंड, ठीक है, और चौथा दे दिया नन, मतलब मोस्ट कंफ्यूजिंग। तो मोस्टली लोग यही गलती करते हैं, ठीक है। तो आपको याद हो जब हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालते थे तो हमारा क्या आता था, जैसे मान लीजिए ऐसे कुछ आता था ना h बाई h, फिर लिमिट h टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो आप ऐसे थोड़े ना करते थे कि यहीं पे जीरो बाई जीरो फॉर्म करते थे कि अरे ये तो जीरो बटा जीरो हो जाएगा, नहीं, आप क्या करते थे पहले इसको सिंप्लीफाई करते थे, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आया आपका वन आया, अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर कुछ आपका इस टाइप से फंक्शन आ रहा हो, तब यहाँ पे भी नहीं अप्लाई कर देते थे कि जीरो बटा जीरो, आप क्या करते थे पहले इसको सिंप्लीफाई करते थे, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आता था एज, अब इस एज पे ए वाला चीज अप्लाई करते थे। सेम चीज यहीं पे करना है, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्लेड है तो आप इस क्वेश्चन को करिए, आपको यहाँ पे क्या बताना है इसका वैल्यू बताना है, ठीक है, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ठीक है, आपने जो उस टाइम पूछा था ये उसी का एग्जाम्पल है कि ये देखिए यहाँ पे क्या कैलकुलेट करवा रहा है एफ वाई एक्स
और यहाँ पे क्या कैलकुलेट करवा रहा है, एक्स वाई, इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, अगर इक्वल होगा मतलब ये दोनों चीज इक्वल होगा तो डिफरेंस जीरो आ जाएगा, अदरवाइज कुछ क्वांटिटी आएगा। तो आप लोग इमिडिएटली सोल्व करिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना है। देखिए जैम में पूछा हुआ है, बट मैंने उस टाइम दिखाया था इसलिए दोबारा नहीं दिखाऊंगा। जैम और नेट में इस टाइप का फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते रहता है, सो आपसे बनना चाहिए। तो आप करिए कैसे निकालेंगे, जरूरत पड़े तो आपने जो पढ़ा था ना एफ एक्स निकालने का तरीका क्या पढ़ा था, एफ के एक्स के रिस्पेक्ट में है तो एक्स प्लस एच कोमा वाई माइनस, अगर किसी पॉइंट पे निकाल रहे होंगे ना आप, जैसे मान लीजिए आपने निकालना है ए कोमा बी पे, तो एक्स की जगह ए और यहाँ पे बी, इसी तरह फंक्शन का वैल्यू ए बी अपॉन में एच, यहाँ लिमिट एच टेंस टू क्या है, जीरो है, लिमिट एच टेंस टू जीरो। तो जरूरत पड़े तो इस चीज का भी आप यूज कर लेना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करिए, ओके तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा, इसमें क्या पूछा हुआ। अच्छा इसको देखिए, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एफ पहले हमने किया वाई का एंड देन एक्स, उसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, एफ पहले किया एक्स का एंड देन वाई। तो हमें पूछ रहा है इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, कहां पे, एट किसी ओरिजिन पे, एट जीरो जीरो पे पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो पहले जैसे मैंने बताया आपको कि एफ एक्स आप निकाल लेना, फिर एफ वाई निकालना, फिर इसका वाई और इसका एक्स, ठीक है। तो मैंने कैलकुलेशन किया हुआ, जस्ट मैं वही चीज आपको शो कर देता हूं, हमने ए तक कर लिया, ओके। अब एफ वाई एक्स निकालेंगे, तो एफ वाई एक्स के लिए क्या होगा, जैसे अगर हमें इस टाइप का निकालना होता तो फंक्शन के हेल्प से, अब जो जैसे हमें मान लीजिए एक्स और इसका फिर मैंने क्या बोला था वाई निकालना था, तो जब वाई के लिए निकालोगे तो इसको कुछ जी ट्रीट कर लीजिए, दैट इज अब जी वाई निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जी क्या है, एफ एक्स है। तो जो आपने पार्शियल डेरिवेटिव का रूल समझा था बस उसको इस पे इंप्लीमेंट कर देना है। अब आपको ये नहीं सोचना है कि ये पार्शियल डेरिवेटिव एक खुद एक फंक्शन की तरह रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए एफ वाई एक्स हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज हमें इसको एक अलग कर लीजिए, तो हमें एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में कर दिया, किसके ऊपर लगाया, अब ये अंदर वाला क्या है पूरा, इसको जैसे मैंने यहाँ पे जी पे बोला उसी तरह एफ है, ठीक है। एफ वाई वाई के रेस्पेक्ट में था तो एफ वाई और इतना लगा। अब एफ वाई पे आपको कैलकुलेट करना कि एफ वाई क्या होगा, एफ वाई का सिंपल सा तरीका था, एफ वाई मतलब एफ का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ से ए फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके हमारा एफ वाई निकल जाएगा, और वो जो एफ वाई निकलेगा उसमें फिर हमें ए वाला इंप्लीमेंट करना होगा, ठीक है। तो एफ वाई क्या होगा, देखिए जो हमें यहाँ पे दिया हुआ था उस फंक्शन को हमने इस फॉर्मूले में पुट किया, फॉर्मूले में पुट करने के बाद कुछ इस टाइप से आया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद आपका कुछ एच आ रहा है, ठीक है। अब एच आ रहा है लेकिन हमारा तो लिमिट के टेंस टू जीरो था ना, तो कोई बात नहीं, इसको हम एच ही रहने देते हैं, ओके। तो हमारा वाई एक्स क्या हो जाएगा, ये एच है तो अब इस एच इसके जगह पे हम पूरा एच रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एच रख दिया और जीरो पे क्या था, जीरो, ठीक है, एच जीरो पे जीरो हो जाएगा और अपन में के टेंस टू जीरो है ए होगा, दैट इज अब ये देखिए ए रखेंगे तो आपका जीरो और ये जीरो इसके जगह एच दे देगा, कौन सा कलर थे ना, एच ये तो वन हो गया, ओके। ये नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट इसमें क्या है, आप एफ एक्स को अंदर रखेंगे फिर वाई रखेंगे, ठीक है। तो इसमें भी जैसे हमने यहाँ पे किया था वही चीज करेंगे यहाँ पे भी, दैट इज एफ एक्स रखा जीरो के पे, जीरो कोमा के पे एंड जीरो जीरो पे, ठीक है। इसको फिर ऊपर वाले की तरह सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा कुछ जो कुछ भी आएगा, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा ये जीरो आ गया, तो जीरो आ गया, तो अब यहाँ पे अब जब यही जीरो आ गया तो आप यहाँ पे भी जीरो रख देंगे, यहाँ पे भी जीरो रखेंगे तो जीरो माइनस जीरो अपॉन के, ठीक है। तो ये जीरो आ जाएगा, अभी जीरो आ जाएगा तो हमें यही चीज फाइंड आउट करना था ना, तो ये तो हमारा वन था और ये माइनस जीरो, तो वन माइनस जीरो आपका वन आ जाएगा। तो जिनका जिनका वन आया है उनका ट्रू है, और जिनका नहीं आया है आप इस पेज नंबर में देख लेना, यहाँ पे कैलकुलेशन किया गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे नेट और प्लस गेट डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। आप लोग के लिए मैं रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करा दूंगा, एक क्वेश्चन करिएगा, ये देखिए सीएसआईआर नेट, अभी आप लोग मोस्टली लोग एग्जाम देके आए हैं तो सीएसआईआर नेट में दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर तो आपको मिल गया होगा, एक है 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मैंने आपको बाउंडेड वाला नहीं बताया, तो बाउंडेड का आप एज यूजुअल समझते हैं, एज यूजुअल क्या कि अगर कोई एक फंक्शन है इसको बाउंडेड बोलेंगे, किसी डोमेन डी पे हम बात कर रहे हैं तो इस डोमेन पे बाउंडेड बोलेंगे, अगर इस डोमेन के अंदर
या एक कोई हमें फाइनाइट नंबर एग्जिस्ट कर रहा सच दैट है उससे लेस देन और इक्वल टू, या आप लेस देन भी कह सकते हैं। तो ऐसे केस में फंक्शन को बाउंडेड बोलते हैं। ठीक है, तो एक कंसेप्ट है ए इंप्लीमेंट करना है और ए दोनों रिलेटेड है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव पढ़ा दिया हूं, कंटिन्यूटी पढ़ा दिया हूं, और जो मेथड हमने पढ़ा था वो इंप्लीमेंट करना है। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 एंड देन क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दोनों डायरेक्शनल डेरिवेटिव से सीसीआर नेट में पूछा हुआ और गेट में तो आता ही, आपको डेफिनेटली पता है, नेट में भी आता है, ये चीज में दिखा दिया। ए भी दोनों कंटिन्यूटी से डायरेक्शनल डेरिवेटिव और नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल वाला मैं नहीं पढ़ाया हूं, तो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। तो आप ये तीनों ऑप्शन चेक कर लेना।